नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत में आज एक बड़ा दिन होने जा रहा है। आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। जदयू बीजेपी से किनारा कर चुकी है और एनडीए बिहार में टूट चुका है। नई सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक एक तरफ बिहार में नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, सभी मंत्री राजभवन में शपथ लेंगे जो नए मंत्री हैं, और उसके अलावा दिल्ली में इस बीच बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं बिहार के दिल्ली में शामिल होने जा रहे हैं, और यहां कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी की होगी और बिहार के राजनीति को लेकर रणनीति तय की जाएगी और इस पर मंथन किया जाएगा। देखिए, जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में होने जा रही बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली में होने वाली इस बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, शाहनवाज हुसैन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में दोपहर बाद 4:30 बजे के आसपास ये बैठक होगी। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद पैदा हुई राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करने की संभावना है। बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से ही भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन इधर नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जैसा कि हमारे पास खबर आया हुआ है, राजद कोटे से 16 मंत्री बनाए जाने हैं, तो वहीं जेडीयू कोटे से 12 मंत्री बनाए जाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक, तो कांग्रेस से 2 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसके नाम का खुलासा भी सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर लाइव सिटीज पर कर चुके हैं, आपने खबरें देखी भी होंगी। इसके अतिरिक्त एक दलीय को भी मंत्री बनाया जाना है। कुल मिलाकर के जो टोटल है 31 मंत्री आज शपथ लेंगे, और ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, बड़ी रणनीति तय की जाएगी यहां पर। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की बिहार की सियासत से। वैसे भी बिहार की सियासत में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार नीतीश कुमार ने बीजेपी को किनारा किया, और किनारा करने के तुरंत बाद ही तेजस्वी यादव के साथ जाकर मिले और तेजस्वी यादव को दोबारा डिप्टी सीएम भी बनाया और खुद 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण भी किया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी थी। अब बिहार की सियासत में नई हलचल इस बात को लेकर है, खासतौर पर बीजेपी में इस बात को लेकर हलचल है कि आखिर नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो राजनीतिक हालात बिहार में पैदा हुए हैं, उस पर मंथन करना जरूरी है। और यही कारण है कि दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को बुला लिया गया है, जिसमें आपने नाम भी सुना, संजय जायसवाल भी शामिल होंगे, अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल होंगे, गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, बयान देते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य नाम, राधा मोहन सिंह का भी हमने आपको नाम बताया। तो इसके अतिरिक्त पूर्व उद्योग मंत्री बिहार के, जो एनडीए की सरकार थी उसमें उद्योग मंत्री रहे, शहनवाज हुसैन भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ बिहार में सियासी सरगर्मी है, महागठबंधन की सरकार है, नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं दिल्ली में भी सियासत की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को बुला लिया गया है और इसमें मंथन किया जाएगा बिहार के हालिया राजनीतिक हालात पर। देखने वाली बात यह होती है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।